हेलो दोस्तों, देखिएगा आज हम एक कस्टमर का ब्लाउज कट करेंगे। दोस्तों ये फोर टक्स वाला ब्लाउज है, डीप नेक का ब्लाउज है, थोड़ा हैवी साइज का ब्लाउज है दोस्तों। और दोस्तों इसका मेजरमेंट है, दोस्तों इस तरीके का मेजरमेंट है दोस्तों, देख लीजिएगा। और दोस्तों ये जो ब्लाउज का कपड़ा है दोस्तों, देखिएगा, ये देखिए ये ब्लाउज के कपड़े हैं। इनका तीन ब्लाउज है, ये एक ब्लाउज का अस्तर है, मैंने धो के जमा लिया है। दोस्तों सबसे पहले हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। तो बैक पल्ले की कटिंग के लिए दोस्तों हम एक पेपर का यूज करेंगे, क्योंकि डीप नेक ब्लाउज है और नई टेक्निक से अपने को ये ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो दोस्तों ये पेपर जो रहना चाहिए ये चौरस रहना चाहिए दोस्तों, देखिए। और इस ब्लाउज की जो लंबाई है, देखिएगा ब्लाउज की जो लंबाई है उसे एक इंच अब एक्स्ट्रा रखकर यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे, देखिए। और यहाँ से जो आर्मोल रहेगा ना दोस्तों, जितना शोल्डर होता है, शोल्डर का आधा इंच कम करके लगाते हैं, तो इस साइज में शोल्डर इनका 15 इंच का शोल्डर होना चाहिए। तो हम 7 इंच में निशान लगाएंगे दोस्तों। यहां से पहले हम ये शोल्डर का निशान उतारेंगे, ये चेस्ट लाइन का निशान हो गया। ये कमर हो गई दोस्तों। दोस्तों इसका नाप हम लिख लेते हैं, दोस्तों देखिएगा ये शोल्डर हो गया। शोल्डर देखिएगा 7.5 इंच शोल्डर है, तो हम 8 इंच में निशान लगा रहे हैं। ये चेस्ट लाइन का भी निशान नहीं लगाएंगे, ये कमर का निशान लगाएंगे दोस्तों। देखिएगा 41 इंच कमर है, तो उसका 1/4 10 इंच होगा। ये देखिए 41 इंच कमर, 46 इंच चेस्ट। इतना होने के बाद दोस्तों देखिएगा जो साइड का जो डॉट रहेगा ना दोस्तों, 4 इंच में डॉट का निशान रहेगा। और शोल्डर से जो डॉट का सेंटर रहेगा ना दोस्तों, इनका 10.5 इंच में है, तो मैं 11 इंच में निशान लगा रहा हूं, क्योंकि आधा इंच शोल्डर में दबेगा। यहां से एक लाइन खींच लेंगे डॉट का, और शोल्डर से देखिएगा दोस्तों 2.5 इंच नीचे, देखिए 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे, और डॉट के निशान के पास ले जाकर इसको मिला देंगे। दोस्तों इस निशान को लगाने के बाद ये देखिएगा आर्मोल का भी एक ऐसा सीधा निशान लगा लेते हैं। अब इसको यहां से यहां इसको कट करेंगे। तो कट करने के लिए देखिएगा जहां तक डॉट का आपका निशान है ऊपर से 10.5 इंच में, वहां पर आप कट कर लीजिए इस तरीके से, और यहां से 1/2 इंच छोड़कर ही निशान तक ही कट करेंगे। अब यहां पर एक चीज देखिएगा दोस्तों, जो अपने को डॉट जो चाहिए की जो मार्जिन चाहिए, 1 इंच की मार्जिन चाहिए, इससे निकाल लेंगे हम इस तरीके से घुमाकर, देखिए ऐसा। और ये पॉइंट जहां पर जा रहा है वहां पर इसको अभी एक पिनअप कर लेंगे। अभी जो पॉइंट जहां पर जा रहे हैं ना दोस्तों, वहां पर ले जाके इसको इस तरीके से मिला देंगे, देखिए। अब देखिए शोल्डर आपका 5.5 इंच शोल्डर जो तैयार हम बनाते हैं वो निकल गया। 3 इंच का शोल्डर तैयार रखेंगे, और ये 2.5 इंच का गला, देखिए। ये चेस्ट लाइन को सीधा लगाकर यहां पर हम चेस्ट नाप लेंगे, देखिएगा 46 इंच का 1/4 निकाल के हम यहाँ पर निशान लगा लिए, और चेस्ट और कमर का निशान को मिला लेंगे। ये देखिए ये अपना परफेक्ट सिलाई का निशान हो गया, और ये अपनी 1.25 इंच की जो मार्जिन देनी है अपन यहाँ पर मार्जिन दे देंगे, देखिए दोस्तों। इतना होने के बाद दोस्तों ये आर्मोल का शेप दे देंगे।
ये देखिए, अब आप लोग को आर्मोल में नाप कर बताऊ तो देखिएगा इसका 20 इंच का आर्मोल है। ये देखिएगा इस तरीके से, ये देखिएगा बिल्कुल 10 इंच आ रहा है। एक बार और नाप के बताता हूँ दोस्तों आप लोगों को, ये देखिए। अगर मान लो दोस्तों, अगर आर्मोल आपका 18 है तो उसको आधा इंच ऊपर चढ़ा सकते हैं, या 21 है तो थोड़ा नीचे कर सकते हैं, इससे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक लाइन खींच लेते हैं दोस्तों गले के लिए, गला तो अभी कट नहीं करेंगे, इसको कट कर लेते हैं दोस्तों पेपर को, ये देखिए इस तरीके से। दोस्तों उसको देखिएगा कपड़े में, मैं जमा कर आप लोगों को बताता हूँ। ये मैंने अस्तर जमा लिया था, धो के प्रेस कर लिया था इसको, इसके ऊपर देखिएगा इस तरीके से आप जमा लीजिए। देखिए आप लोगों को बताऊं तो शोल्डर देखिए ऑटोमेटिक डाउन हो गया, ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, इससे ना शोल्डर गिरेगा और ना ब्लाउज पीछे से उठेगा, क्योंकि देखिए बैक भी उठ चुका है आपका। इसका निशान उतार लेते हैं दोस्तों, गले का निशान या आर्मोल का निशान। ये डॉट का भी निशान लगा लेते हैं। दोस्तों देखिएगा पूरा निशान उतर गया, इसका नाप लिख लेते हैं 46 और 41, ये आपका सिलाई का निशान निकल गया। ये आर्मोल का भी शेप दे देते हैं, देखिए दोस्तों आर्मोल का शेप कितना क्लियर उतरा है। ये गले का आपका निशान उतर गया, देखिए गले का डीप 11 इंच डीप है, इसको ऐसा निशान उतार लीजिए। एक ये शेप दे देंगे दोस्तों, ये देखिए दोस्तों उसको कट कर लेते हैं। हल्का सा शेप दे देते हैं, देखिए आर्मोल का शेप देखो दोस्तों, देखो कितना अच्छा निकला है। अब दोस्तों फ्रंट पल्ला काटने के लिए हम कपड़ा जमा लेते हैं, देखिए कपड़ा हमने जमा लिया, होकाई पट्टी के लिए आधा इंच की मार्जिन अपने को निकालनी है, इसलिए हमने किनारी पल्ला अपने तरफ रख कर इसको इस तरीके से जमा कर बैक पल्ले को इसके ऊपर इस तरीके से जमाएंगे कि आधा इंच हम होकाई पट्टी के लिए निकाल लिए, और साइड में अपने को जो डॉट के लिए मार्जिन वगैरह देना है उसके लिए कपड़ा एक्स्ट्रा निकलना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा दोस्तों, नीचे में 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, साइड से दोस्तों ना 3 इंच के आसपास आपका एक्स्ट्रा रहना चाहिए, देखिए इस तरीके से, ठीक है। इसको अभी हम इसी के ऊपर बिछा के बिल्कुल काट लेते हैं, क्योंकि शोल्डर तो वैसी रहेगा, आर्मोल भी अभी वैसी काट लेते हैं, गहराई बाद में निकाल लेंगे डॉट डालने के बाद। ये देखिए इस तरीके से ये अपना कट के निकल गया, ये होकाई की आधा इंच की मार्जिन रखकर बाकी काट के निकाल देंगे। ये होकाई की मार्जिन हो गई, ये नीचे का 1.5 इंच की मार्जिन हो गई, ये साइड में 3 इंच की मार्जिन हो गई। यहाँ पर हमने पॉइंट लगा लिया गले का, गला एक ही साथ खुलेगा। अब दोस्तों देखिएगा ये डॉट का मैं निशान आप लोगों को लगाकर बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए ये होकाई की मार्जिन हो गई, ये गले का निशान 7.5 इंच का गला है आगे का, देखिए। अब दोस्तों उसमें डॉट हम डालेंगे तो ऊपर से जो डॉट रहेगा शोल्डर से, डॉट पैंट इंच का दोस्तों 10.5 इंच में है, तो 10.5 में तो मैं 11 इंच में निशान लगाऊंगा, क्योंकि आधे इंच शोल्डर में दबेगा, और साइड से दोस्तों चेस्ट का जो सेंटर आएगा ना 4 इंच में आएगा, ये देखिए 4 इंच में ये आपका डॉट का सेंटर हो गया। ये 4 इंच में यहाँ भी निशान लगाकर
यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे दोस्तों, ये डॉट का निशान, और यहाँ पर एक इंच का डॉट डालेंगे, इधर एक इंच, मतलब टोटल दोस्तों 2 इंच का यहाँ पर डॉट डलेगा इस साइज में, ठीक है। अब यहाँ पर ये साइड वाला डॉट देखिएगा, इस तरीके से पॉइंट मिलाकर यहाँ पर एक आप टोटल 1/4 इंच का डॉट डालोगे दोस्तों, है ना, इसमें टोटल 1/4 इंच का डॉट दिए, और यहाँ पर आर्मोल का सेंटर के पास से यहाँ पर एक डॉट डलेगा, ये भी दोस्तों ये आधा से 1/4 इंच का डॉट आप डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर 1/2 इंच का डॉट डलेगा, देखिए दोस्तों किस तरीके से निशान उठ रहा है, ये डॉट हो गया, ये डॉट हो गया, ये डॉट हो गया, और ये हो गया दोस्तों। इसके गले को आप कट कर लेंगे और इसको चारों डॉट को आप डालकर ब्लाउज को पूरा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।